हाँ जी, तो ये है वागा रेलवे स्टेशन। Assalamualaikum and welcome back to the channel once again and also welcome back to border series। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वागा बॉर्डर का रेलवे ट्रैक और वागा बॉर्डर का रेलवे स्टेशन। ये वही रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन है जब पाकिस्तान नहीं बना था, मतलब 1947 से पहले, और फिर जब पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छे थे तो उस वक़्त पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन जा रहा था और इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन आता था। तो अभी देखते हैं कि वो ट्रैक मतलब कैसे बना हुआ है और वो वागा स्टेशन जो है रेलवे ट्रैक का वो किस हालात में है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं इस रोड पे, इस ये कच्चा ही रोड है, इस पे निकलते हैं, वहाँ पे वो ट्रैक है और मैं अभी हूँ इस वक्त मेन जीटी रोड पे। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बारिश का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। तो अल्लाह ना करे अगर बारिश हुआ तो फिर ये रास्ते जो है ना, ये इस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाएगी। वो वाले पहले वाली वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले वाली नहीं दूसरे वाली, और दूसरा जो गाँव था ना, पहले तो संजय पीर दरबार का था और जो दूसरी वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ थी उस रास्ते पे, और उस बंदे ने मुझे बता दिया कि इस रास्ते से चले जाओ, 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं समझा कि 15 मिनट का रास्ता तो कम है, क्यों 2 घंटे का रास्ते से चले जाओ। तो बाद में मुझे पछताना पड़ा, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ, जूती और सब कुछ मेरा ख़राब हुआ था। ये तो इस बहमान नाम के गांव से निकलते हैं, इसके आगे वाली साइड पे जो है ना वो रेलवे ट्रैक है जी। तो ये वो रेलवे ट्रैक है जो इंडिया की तरफ ही जाता है। तो इस रेलवे ट्रैक के साथ ही चलते हैं आगे। हाँ जी, तो ये वो बहमान नाम का जो गाँव है, यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये वो जगह है जहाँ वो ऑफिसर बैठा होता है, जब कोई गाड़ी ट्रेन इस रोड को क्रॉस कर लेते हैं तो ये जगह को बंद और खोल देती है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे और जो वागा रेलवे स्टेशन है उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो वहाँ पे ही इंशाल्लाह फिर वीडियो मैं ख़त्म कर लूँगा। तो इसके रास्ते में बहुत ही कमाल की जगह है, तो क्या लेता हूँ, जहाँ भी मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो इस वजह से मैं स्पेशली इस पे इसके लिए भी आया कि इसको दिखा दूँ कि क्या क्या है इस रेलवे ट्रैक में। हाँ जी, तो इस रेलवे ट्रैक पे इंडिया की तरफ गाड़ी जाती थी, जो अभी वीरानी पड़ा है। रेलगाड़ी इंडिया की तरफ से यहाँ और यहाँ से वहाँ चलती रहती थी। हाँ, तो इस ट्रैक के साथ साथ चलते हैं वागा गांव तक और फिर वहाँ से वागा रेलवे स्टेशन। तो अभी इस रास्ते से ही चलते हैं उस वागा गांव की तरफ। मेरे ख्याल से अभी स्ट्रेट में मुझे जाना है और फिर लेफ़्ट साइड होना है, क्योंकि ये इनके बीच आता है एक नदी, तो वो नदी पे कोई पुल नहीं है, तो इस वजह से मुझे अभी स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ़्ट, फिर वागा गांव और फिर राइट होके मुझे वापस आना होगा रेलवे स्टेशन की तरफ। हाँ जी, तो ये आगे अभी है वागा गाँव इस साइड पे है और ये वागा गाँव वाला रोड है। तो शायद मुझे इस रोड से जाना पड़े। तो अभी इस नहर के किनारे पे मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। वहाँ जो ट्रैक था, रेलवे जो ट्रैक था, लाइन था ना, उसके साथ रास्ता बाकी नहीं था, तो इस वजह से मैं वागा गाँव आ गया और वहाँ से इस नहर के साथ। और अभी ये नीचे रोड अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे दोबारा ये रोड स्टार्ट होता। अभी इस रोड से निकलते हैं वागा स्टेशन। तो ये है वागा रेलवे स्टेशन, ये पूरा वागा रेलवे स्टेशन है। और अभी यहाँ पे ट्रैक भी आप लोगों को देखेगा। तो ये पूरा वागा रेलवे स्टेशन है। अभी पता नहीं कि अंदर मुझे इजाज़त मिल जाएगी या नहीं। हाँ जी, तो ये पीछे जो गांव गुजर गया ये था वागा गांव, और ये अभी पूरा वागा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से इजाज़त मिलती है, इसके आगे पता नहीं कि इजाज़त मिल जाएगी या नहीं भी। वहाँ पे रेलवे खड़ा है। ये पूरा रेलवे स्टेशन तो अभी वीरान पड़ा है। पे कुछ घर है तो इनसे पूछ लेता हूँ कि सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये है वागा बॉर्डर। उसका अभी अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, तो इस वजह से इसका फ्रंट व्यू है। और उस साइड से तो भी वहाँ तक मैं चुका था, तो वहाँ तक मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो ये वागा बॉर्डर का फ्रंट व्यू है। और ये है LOC, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो यही है। ये जो दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये बस पाकिस्तान के लास्ट हदूद है। हाँ जी, तो रेलवे स्टेशन में मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया, कहा कि मतलब इंटरनेशनल ट्रेन है तो आप वीडियो नहीं बना सकते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।